कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम मृदारविंदे सम भवानी सहितम नमामि। सभी को नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैं यानी कि साधक रोशन पाठक आज मैं आ चुका हूँ उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग में, और आज से हम सीधा केदारनाथ यानी कि आदि योगी जी के पास जाने की तैयारी में है। केदारनाथ की चढ़ाई के लिए हम सभी लगभग तैयार हैं, और यात्रा की शुरुआत में सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा आपको ये सुंदर सी वादियाँ और ये सुंदर सी वादियाँ और ये सुंदर सी जो झील झरना कहें या सुंदर नदी कहें, पवित्रता का संगम कहें, ये वो स्थान है जहाँ से लोग अक्सर शुरू करते हैं चढ़ाई केदारनाथ की। और केदारनाथ की चढ़ाई से पहले जिस कुंड की यात्रा की जाती है, जिस महाकुंड की यात्रा की जाती है, उस कुंड पे मैं आज पहुंचा हूं। और वो जो कुंड है उसका नाम है गौरी कुंड। जी, गौरी कुंड यानी कि वही गौरी कुंड जहाँ पे आदिदेव महादेव शिव शंभु की अर्धांगिनी धर्मपत्नी माता पार्वती जी का कभी ना कभी वहाँ पे वो रही। और हमारे साथ मनोज सर भी हैं और हम सभी दिल्ली से आए हैं, और आज की यात्रा में जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा गौरी कुंड, जो कि वही गौरी कुंड है जहाँ पे आदिदेव महादेव शिव शंभु की धर्मपत्नी पार्वती जी कभी न कभी उनका यहाँ पे आवागमन रहा। और इसी कुंड में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर वो रहती थी, स्नान ध्यान इत्यादि यहाँ पर होता था, यहाँ पर लोग भी आते हैं। बहुत ही गर्म यहाँ का पानी होता है, लेकिन इतनी पवित्रता है, इतनी मान्यता है कि लोग यहाँ पे आते हैं और स्नान ध्यान करते हैं। और आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग हैं यहाँ पे आसपास जो कि स्नान कर रहे हैं। और ठीक इसके बाद हम केदारनाथ की चढ़ाई करेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और वर्चुअली आपको मैं केदारनाथ जी के पास लेके जाऊंगा, जाने के प्रयास करूंगा। आप सभी को आदि योगी विश्वनाथ आदि योगी शिव जी की से मिलन करवाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम। सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो एक बार फिर से मैं आपको ले आया हूँ उत्तराखंड की, विशेष रूप से केदारनाथ की वादियों में। मैं आपको बताना चाहूँगा आज सुबह 10 बजे से हमने केदारनाथ की चढ़ाई शुरू की है। और केदारनाथ यानी कि जो कि सोनप्रयाग से ठीक 16 किलोमीटर ऊपर और ज़मीन से लगभग समुद्र तल से अगर मैं कहूँ तो 3500 मीटर की ऊँचाई है इसकी। और सुबह से ही 10 बजे से हमारा पूरा ग्रुप केदारनाथ की चढ़ाई कर रहा है, पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ और पूरे मनस्थिति के साथ। और कहते हैं, आपने तो सुना ही होगा, ये कहा जाता है कि जब जोश नहीं है लल्ला तो किस काम की है जवानी। तो पूरे जोश के साथ हमारे सभी साथी जो है वो चढ़ाई कर रहे हैं। हमारे साथ मनोज जी हैं, हमारे साथ दीपक है, हमारे साथ प्रदीप जी हैं, हमारे साथ सुमित हैं, जो पूरे एकदम उत्साह के साथ भोले जी के दर्शन को जो है उतावले हैं। और सुबह से ही एकदम, बल्कि कल रात से ही बहुत तैयारी के साथ वो चले हैं। और पीछे सूर्य प्रकाश और गुलशन जी एक नहीं दो डंडों के साथ जो है चल रहे हैं। तो मंजिल बेशक दूर है लेकिन जाना ज़रूर है। तो कुछ ही घंटों में हम पहुंचेंगे। जब इतनी दूर हम आ चुके हैं तो कुछ और क्षण की देरी है। तो एक बार पुनः आपको दिखाना चाहूँगा ये पूरा नज़ारा, ये पूरा दृश्य। अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो वर्चुअली एटलीस्ट इसको देख करके पूरा नज़ारा ले सकते हैं। और ज़रूर आएँ इस देव भूमि पर, इस आदि योगी की भूमि पर, इस महादेव की भूमि पर और शंकर जी का आशीर्वाद लें। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं आपसे ठीक केदारनाथ के उस मंदिर पर जहाँ जाने की अभिलाषा में हम सभी निकल पड़े हैं। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। एवरीवन, तो एक बार फिर से अब
लगभग हमारी चढ़ाई पूरी हो गई है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर और केदारनाथ का जो मुख्य मंदिर है आदि योगी जी का, शिव जी का जो मंदिर है, ठीक 1 किलोमीटर ऊपर है। और उसके पहले का मैं व्यू नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हैं ये सामने बर्फ़ के पहाड़, और उसके ठीक पीछे ही जो देवालय है उसी को हम केदारनाथ के नाम से जानते हैं। चारों तरफ 360 डिग्री का नज़ारा आपके सामने। शाम हो चुकी है, समय लगभग 6 बज चुके हैं। सुबह 10 बजे से लेकर अब शाम को 6 बजे तक ये चढ़ाई हुई। अभी भी हमें आधा घंटा और लगेगा, 1 किलोमीटर की चढ़ाई और अभी शेष है, और उसके बाद हम ठीक खड़े होंगे केदारनाथ मंदिर के द्वार पर। धन्यवाद। तो शाम के ठीक 6:30 बजे हैं और हम फाइनली आ पहुंचे हैं केदारनाथ के द्वार पर। यहां से ठीक 500 मीटर दूर केदारनाथ का मंदिर है और उसके ठीक ऊपर बर्फ के पहाड़, पर्वतीय श्रृंखला अपनी सौंदर्यता का दृश्य दिखाती हुई आपके समक्ष आपको दिखाई दे रही है। रात का एक अलग ही अनुभव, एक अलग ही अनुभूति, एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही समावेश, और इसी बीच में आदिदेव महादेव हमें दिख रहे हैं और कुछ ही मिनटों में हम ठीक सामने होंगे केदारनाथ के द्वार पर, और संध्या की जो आरती ठीक 7 बजे होती है वहाँ पहुँचने का और उस आरती में शामिल होने का हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो, इसी आशा में हम बढ़ रहे हैं। और हमारे चारों ओर का दृश्य आप देख सकते हैं, सूर्यदेव लगभग ढलते हुए, वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपना काम कर दिया है, दिन दिन की रोशनी में अपनी रोशनी के साथ उन्होंने हमें केदारनाथ के द्वार पर पहुंचा दिया है, और कुछ ही दिनों में हम होंगे ठीक केदारनाथ जी के द्वार के समक्ष। तो जल्दी ही आप सभी को भी अपने माध्यम से, इस वर्चुअल वीडियो के माध्यम से दर्शन कराएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, बने रहें। बोलो शंकर भगवान की, हर हर महादेव। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है, और आप देख सकते हैं कि अब हम पहुंच गए हैं ठीक आदिदेव महादेव केदारनाथ के द्वार पर, और आरती की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। हालांकि ये रात का दृश्य है और एक बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही सकारात्मकता के साथ, एक पवित्रता के साथ केदारनाथ जी के द्वार पर हम आ गए हैं, और ठीक सामने मंदिर है, ये मंदिर का दृश्य। आगे आरती भी आपको दिखाएंगे और इसी के साथ आगे ये यात्रा जारी रहेगी। सभी को नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं रोशन पाठक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको पता है कि कल से ही हमने केदारनाथ के लिए यात्रा शुरू की थी, जो कि हमने सोनप्रयाग से शुरू किया, और हम कुंड को होते हुए कल सुबह 10 बजे के बाद से ही हम केदारनाथ की यात्रा के लिए निकले, और फाइनली कल रात को, बल्कि शाम को 6 बजे हम आदि योगी महादेव शिव शंभू के द्वार केदारनाथ पे पहुंच गए। और अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा आज सुबह का ये भव्य दृश्य है। आप देख सकते हैं पूरे चारों तरफ हिमालय की गोद में ये केदारनाथ मंदिर। मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताना चाहूंगा कि दिल्ली से लगभग 550 किलोमीटर दूर और सोनप्रयाग से लगभग 16 किलोमीटर दूर और लगभग 3500 समुद्र तल से ऊंचाई केदारनाथ की है,
और आज हम इस केदारनाथ के पास पहुंच गए हैं। केदारनाथ की विशेषताओं के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो केदारनाथ है, यानी कि जो केदारनाथ का भव्य मंदिर है, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मंदिर है। और इसके अलावा हम जिन चार धामों के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं और देखने की कामना करते हैं, उन चार धामों में से एक भी ये केदारनाथ का मंदिर है। और पंच केदार का नाम भी आप सभी ने सुना होगा। अगर मैं पंच केदार की बात करूँ तो पंच केदार में भी केदारनाथ मंदिर की एक अपनी विशेषता है। ये वही स्थान है जहाँ पे पांडवों ने इस मंदिर की स्थापना की, पांडवों ने इस मंदिर को बनाया। और आज संपूर्ण विश्व जगत से हर देश के लोग, इवन भारत के लोगों में और विश्व के कई देशों में ये मान्यता रहती है कि वो समय निकाल कर आएं। इतनी बड़ी त्रासदी होने के बाद भी इस भव्य मंदिर को कुछ नहीं हो पाया। और यही आस्था है, यही लोगों की भाव है, लोगों की ऊर्जा है, ईश्वर की कृपा है कि आज इतना भव्य दृश्य लोगों को देखने को मिलता है। मैं थोड़ा और आपको बताना चाहूँगा कि हम लगभग पहुँच चुके हैं एक मंदिर के मुख्य द्वार के सामने, और आपके सामने ये मंदिर दिखाई दे रहा होगा। मैं सूर्या को कहना चाहूँगा कि उस मंदिर को थोड़ा जूम करके दिखाएं, ताकि जो देखने वाले जो दर्शक हैं, जो देखने वाले जो केदारनाथ की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, वो भी इस मंदिर का देख कर प्रभु के दर्शन करें, आदिदेव महादेव श्री आदि योगी के दर्शन करें, भगवान शिव के दर्शन करें। ये पूरा नज़ारा हिमालय की गोद में बसा ये केदारनाथ, रुद्रप्रयाग के जिले में स्थापित केदारनाथ यहाँ पे है। और यहीं पे मैं कहना चाहूँगा कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम मृदार वृंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो आगे और भी चीज़ें होंगी, और भी जगह हम जाएंगे, और समय समय पर मैं आपको इसी प्रकार का दर्शन दिलाता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम। बताना चाहता हूँ कि इस समय मैं केदार धाम के मुख्य मंदिर के ठीक पीछे खड़ा हूँ, और मेरे सामने भीमशिला, जो कि एक बहुत ही रहस्यमयी शिला के नाम से जानी जाती है, आप सभी को पता होगा। और अगर नहीं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 16 जून 2013 को एक भीषण यहाँ पे बाढ़ आई थी। बताते हैं कि यहाँ से ठीक 5 किलोमीटर दूर एक झील है जो फट गई थी, और उसके फटने से पूरे उत्तराखंड में त्राही त्राही मच गई थी। और ठीक यहीं से ही वो जो बाढ़ का पानी है वो यहाँ पे आया। लेकिन इस भीमशिला के बारे में बताते हैं कि सिर्फ एक इस छोटी से शिला के माध्यम से ऐसा बताया गया कि शिला ने मंदिर को क्षति पहुँचने से रोका। और बताते हैं कि इस शिला के माध्यम से जो पानी है वो दो भागों में विभक्त हो गया, एक दाईं ओर और एक बाईं ओर। और बताते हैं कि एक इतनी छोटी सी शिला ने इतने बड़े मंदिर को कैसे रोका होगा। तो कहीं ना कहीं जब ये प्रश्न उठता है, और वैज्ञानिक के आधार पर, अगर मैं वैज्ञानिक आधार के ऊपर भी बताऊँ, तो ऐसा कहा जाता है कि ये केवल एक चमत्कारी शक्ति है, ये एक ईश्वरी शक्ति है, ये एक दैवी शक्ति है, जिसका प्रकोप था, जिसका परिणाम था कि इस छोटी सी भीमशिला ने इस मंदिर को, इस दिव्य मंदिर को, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और पंच केदार में से एक है, इसको क्षतिग्रस्त होने से रोका। और शायद इसी के बाद से इसकी महिमा, इसकी जो लोगों के अंदर इसके प्रति जो भाव है, वो और भी ज़्यादा विकसित हुआ। मैं चाहता था कि आप सभी को भी इस शिला को देखने का मौका मिले, एक बार ध्यान से देखेंगे इस शिला को। जब भी आपको समय मिले तो ज़रूर आएँ केदारनाथ के दर्शन को, और इस शिला को ज़रूर देखें। शायद आप ये सोच पाएंगे, ये चिंतन मनन कर पाएंगे कि कैसे इस शिला ने इस भव्य मंदिर को रोका। सभी का नमस्कार, धन्यवाद।
केदारनाथ से सीधा सोनप्रयाग की ओर।